भंडारा शहरात बेवारस कुत्र्यांनी उच्छाद मांडला असून मानवी जीवन धोक्यात आले आहे. याकरिता शहरातील बेवारस कुत्र्यांचा तात्काळ बंदोबस्त करण्यात यावा अशी मागणी ॲनिमल वेलफेअर या वन्यजीवन सामाजिक संघटनेने भंडारा नगर परिषद मुख्याधिकारी विनोद जाधव यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. भंडारा शहरातील बेवारस कुत्र्यांची वाढत्या संख्येमुळे शहरातील नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. लहान मुलांना चावा घेणे, गाड्यांच्या मागे धावणे इत्यादी घटना दिवसेंदिवस वाढत असून बऱ्याच कुत्र्यांना नवनवीन आजारांनी ग्रासले आहे. अनेक जखमी अवस्थेत आढळून येत आहेत. सध्या कुत्र्यांना प्रजनन काळ सुरू झाला असून त्यामुळे शहरात बेवारस कुत्र्यांची संख्या झपाट्याने वाढते. शहरातील कुत्र्यांमध्ये कॅनी डिस्टेमर व्हायरस मोठ्या प्रमाणात दिसून येत असून हा व्हायरस एका कुत्र्यांपासून दुसऱ्याला व दुसऱ्यापासून तिसऱ्याला या पद्धतीने प्रसार होत आहे. मात्र हा व्हायरस नुसत्या कुत्र्यांपुरता मर्यादित नसून ज्या प्राण्यांना पंजे आहेत त्यांनासुद्धा या व्हायरसचा धोका आहे. या व्हायरसमुळे कुत्रे हे स्वतःला किंवा त्यांच्याजवळील व्यक्तींना मोठ्या प्रमाणात चावा घेत असतात. त्यामुळे मानवी जीवनाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. करिता शहरातील कुत्र्यांचे निर्विजीकरण करण्यात यावे, या व्हायरसच्या बचावाकरिता लस उपलब्ध करून देण्यात यावी, शहरात रेस्क्यू सेंटर उभारण्याकरिता जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. पल्लवी रोटकर, पंकज हुकरे, बंटी आले, बंटी मिश्रा, प्रीती परिसे आदी उपस्थित होते. मेरा नाम पल्लवी रोटकर और ये सब मेरा ग्रुप है. हम एनिमल वेलफेयर का इंडिविजुअल लेवल पे काम करते हैं. जहाँ भी कुछ प्राणियों को कुछ भी होता है, जो कुत्ते बिल्ली रहो, गाय रहो या कुछ भी रहो, हम लोगों को जैसे भी पता चल जाता है कि वहाँ पे कुछ वो इंजर्ड हुआ है या उनको कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है, तो हम सब लोग जाके जो भी उसका अवेलेबल रहेगा हम सब लोग पूरी टीम मिलके जाके उसका ट्रीटमेंट करते हैं. गवर्नमेंट हॉस्पिटल से डॉक्टर्स को बुलाते हैं, उनका ट्रीटमेंट करके उनको रिलोकेट कर देते हैं. अगर हमारे उनको रिलोकेट करने के लिए हमारे पास जगह नहीं रही तो फिर हमको उनको कहीं भी रख के उसकी देखरेख करनी पड़ती है. अभी जो है कुत्तों का प्रजनन काल आ रहा है, प्रजनन काल में उनकी संख्या जो है वो बहुत बढ़ जाती है. उसके साथ हमारे भंडारा शहर में कैनी डिस्टेंपर वायरस मतलब सीडीवी का जो है वो कुत्तों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा है. उस वजह से एक के साथ दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, ऐसे वो बढ़ते जाता है. लेकिन वो सिर्फ कुत्तों में ही नहीं होता, जिसकी भी पंजे है वो उन सब में स्प्रेड होते जाता है. उसकी स्टेजेस रहती है, उस वजह से वो कुछ स्टेज सेकेंड या थर्ड स्टेज में जाने के बाद वो खुद को ही बाइट करते हैं. कुत्ते खुद को ही बाइट करना चालू कर देते हैं. अगर वो ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं तो फिर वो जो भी ट्रीटमेंट करता है उनको भी बाइट करने की चांसेस है, लेकिन अभी तो वो मिली नहीं. तो हमारी सिर्फ यही डिमांड है कि अभी उनका जो कुत्तों का प्रजनन काल चालू है उसका निर्विजीकरण का ऑपरेशन आता है वो करवाना चाहिए. उसके साथ में कैनिन डिस्टेबल वायरस का जो वैक्सीनेशन है और उनका जो ट्रीटमेंट है वो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि उसका खर्चा बहुत आता है. उसका वैक्सीनेशन जो है वो ही 2000 का आता है, और ट्रीटमेंट का तो फिर वो अलग होता है. कुछ लोग ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन कुछ कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि हमको कुत्तों को इंजेक्शन देके मारना पड़ता है. वो चीज़ नहीं होनी चाहिए और वो मुखे जनावर की जान नहीं जानी चाहिए. इसलिए हम लोगों ने CEO साहब को निवेदन दिया है कि एक सेंटर लगवाया जाए, वहाँ पे कुत्तों का ABC मतलब एंटी बर्ड सेंटर, एंटी बर्ड ऑपरेशन होना चाहिए. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि.